फीफा वर्ल्ड कप, इंग्लैंड ने ईरान को 2-6 से हरा दिया। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में इंग्लैंड ने ईरान को 2-6 से हरा दिया। दोहा में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने जारहाना आगाज किया। इब्तदाई मिनटों में एक हमले के सबब ईरानी गोलकीपर साथी खिलाड़ी की टक्कर से जख्मी हो गए, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तब्दील कर दिया गया। इंग्लिश टीम के खिलाड़ी बेलहिंगम पहला गोल करने में कामयाब रहे। चंद लम्हात बाद साका ने गेंद दूसरी बार ईरान के जाल में पहुंचाई। रहीम स्टर्लिंग ने एक क्रॉस पर उम्दा किक के जरिए टीम का तीसरा गोल बना दिया। वक्फे तक स्कोर 3-0 था। दूसरे हाफ में भी इंग्लिश टीम का ईरान पर दबाव बरकरार रहा, जिसके नतीजे में साका ने 62वें और रिशफोर्ड ने 71वें मिनट में गोल स्कोर किए। इस दौरान ईरान की टीम भी तरीमी के जरिए एक गोल का खसारा कम करने में कामयाब रही। इंग्लैंड की टीम का 6ठा गोल ग्रिलिश ने बनाया। इंजरी टाइम में ईरान को पेनाल्टी किक मिली, जिस पर तरीमी ने गोल कर दिया। यूं मैच इंग्लैंड की 6-2 की बढ़तरी पर ख़त्म हुआ। जबकि दूसरी जानिब पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सफ़र तो अभी शुरू नहीं हुआ, मगर आलमी इवेंट के आगाज़ के साथ ही उन्होंने एक रिकॉर्ड ज़रूर अपने नाम कर लिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर 50 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले सारिफ बन गए हैं। इस तरह वो मीटा की ज़ेरे मलकियत फ़ोटो शेयरिंग ऐप के सबसे बासर सारिफ भी समझे जा सकते हैं। पुर्तगाली फुटबॉलर के बाद दूसरे नंबर पर एक और फुटबॉलर लियोनल मेसी मौजूद हैं, जिनको 37 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा अफराद फॉलो कर रहे हैं।